तो हेलो दोस्तों, आ गया आज के कौन है गेम प्ले वीडियो देखो। तो आज के इस वीडियो में हम प्ले करने जा रहे हैं ब्रेन टेस्ट, मतलब अपना आईक्यू टेस्ट हम करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या रहता है, इसमें बहुत सारे पजल दिए रहते हैं और हमें उस सारे पजल को सॉल्व करना रहता है, अपना ब्रेन चेक करवाना रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने ब्रेन को चेक करवाते हैं और गेम को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो चलिए हम लोग इस गेम को रेडी करते हैं और गेम को प्ले करते हैं। तो ओके गाइस, यहाँ से मैं रेडी करता हूँ। तो यहाँ पे पहला लेवल आ चुका है जिसमें पूछ रहा है विच वन इज़ द बिगेस्ट, इसमें सबसे बड़ा कौन आपको दिख रहा है। तो मुझे तो ये टाइगर ही सबसे बड़ा दिख रहा है ना, आप देखिए सही। तो मैं इस पर टिक करता हूँ। तो देखिए ओके, तो यही यही सही था, मतलब यही सब मेरा आई क्यू तो मतलब तेजी है। हाउ टू ब्लॉसम दिस फ्लावर, ओके। तो इसे हम लोग थोड़ा सन वन देना है, तो इस सब को क्लाउड को अगर हम लोग किनारे करें लो तो शायद हो सकता है। ओके, इसको भी इधर करते हैं और इसको भी इधर करते हैं। ओके, तो यहाँ से ये भी लेवल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में क्या करना है। ओके, तो यहाँ पे पुट द एलिफेंट इन टू द फ्रिज, इस एलिफेंट को हमें इस फ्रिज के अंदर रखना है। तो कैसे रखा जाएगा, फ्रिज को खोल दिया जाए, फ्रिज तो ओपन हो नहीं रहा है, या एलिफेंट को छोटा कर दिया जाए क्या, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ये वाला गेम, ये वाला लेवल नहीं समझ में आ रहा है। लगा दिमाग, लगा समीर दिमाग लगा, इसको इधर मूव किया जाए कैसे कैसे, फ्रिज को ओपन तो नहीं हो रहा है, फ्रिज एलिफेंट मूव हो रहा है, इसका मतलब इसको यहाँ पर लेकर जाते हैं और फ्रिज को ओपन करते हैं, ये भी नहीं ओपन हो रहा, तब पर ओपन नहीं हो रहा। भाई साहब यार कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पे, क्या चक्कर है भाई, क्या चक्कर है, घुसना। अरे खुल गया, खुल गया ऑटोमेटिकली भाई, खुल गया है, मतलब यहाँ पे लगता है वेट करना रहता है कुछ। ओके नेक्स्ट करते हैं, विच वन इज़ द क्लोलेस्ट टू अस। अच्छा क्लोलेस्ट क्या है, मतलब ये मून है क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे या मून है, ओके। तो अस के क्लोलेस्ट कौन था, नज़दीक कौन था वो भाई साहब, हाउ मच डिड यू लाइक। ओके तो मैं दे देता हूँ आपको, मैं एक भी स्टार नहीं दूंगा, मुझे अभी गेम मज़ा नहीं आ रहा। हाउ मैनी पिज्जा स्लाइस डू यू हैव, दो दो चार पाँच फाइव, ओके सबमिट, नो फाइव नो, तो कितना है, टेंथ टेन होगा सर, टेन हाँ कैलकुल, नो टेन भी नहीं, एक ओके ओके मूव हो रहा है, ये सब मूव हो रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और नाइन, नाइन 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 है शायद, नाइन हाँ ओके। तो यहाँ से नाइन ये सही हो गया, चलिए 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 बल्ले बल्ले। आई ओवरटेक सेकेंड प्लेस रेसर विथ यू पोजीशन, मतलब इसमें सेकेंड प्लेस रेसर हो रहा है और इसमें मेरा पोजीशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे मेरा पोजीशन शायद वन हो सकता है, नो तो सेकेंड हो सकता है, सेकेंड यस यस सेकेंड, क्या बोला, मतलब दो ही पर्सन है सब, तो सेकेंड ही आप फर्स्ट होगा। स्लाइड लेफ्ट टू अनलॉक, ओके लेफ्ट, नहीं नहीं वेट वेट वेट, यहाँ पे लेफ्ट अनलॉक करना है तो उस साइड, ओके। ओ भाई साहब अब दिमाग थोड़ा लग रहा है, तो हमें थोड़ा सावधानी से प्ले करना होगा। फिड द कैट प्लीज़, ही इज़ हंगरी हंगरी, मतलब इस बिस्कुट को हमें इस कैट को खिलाना है। तो यहाँ से मैं इसको कैसे ले जाऊँ, यहाँ बीच में तो कटर दिया हुआ है, तो मतलब हम इधर से इसको नहीं ले जा सकते हैं, कैसे कैसे कैसे, अगर मैं इसको इधर उधर मूव कराऊँ तो, ये क्या हुआ, ए भाई साहब ये क्या, मैं जो कुछ समझ नहीं आया ये क्या हुआ। वेयर इज़ द ग्रीन बॉल, इसमें ग्रीन बॉल हमें ढूंढना है, ये सारे मूव होंगे क्या, शायद मूव हो सकते हैं, मूव करता हूँ ये मूव, अरे अरे भाई साहब ये ऑटोमेटिक पता नहीं क्या क्या हो जा रहा है, मैं इसमें कुछ कर नहीं रहा हूँ। वाट इज एंड स्वेल इन द पिक्चर, इसमें कुछ अलग किया है तो अलग मुझे देखना है, यहाँ पर तो ये सारे सही लग रहे हैं, अलग अलग कुछ समझ नहीं आ रहा, अलग क्या है, अलग इसमें कुछ डिफरेंस तो दिख ही नहीं रहा। वेट 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 नहीं, वेट वेट कहाँ से कहाँ से कहाँ पे, या नहीं 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 वेट 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 वेट, यहाँ पे इसका फिंगर देखिए और ये वाला देखिए, यस मिल गया मिल गया मिल गया, यहाँ उसका हाथ देखे थे वहाँ पे हाँ। विच वन इज़ लॉन्गेस्ट, मतलब इन तीनों महीने में से सबसे लंबा कौन है, मतलब मार्च भी हो सकता है, मई हो सकता है, फरवरी तो नहीं हो सकता, ये दोनों नहीं हो रहा, फरवरी हो सकता है, ओके तो फरवरी मतलब अच्छा है। लेटर में पूछना था सबसे बड़ा कौन है, कैच फाइव
फेलिंग एप्पल्स, मतलब यहाँ पे हमें 5 कैच करना है। तो ओके, तो यहाँ से एक बार नीचे से भी जा रहे हैं, ऊपर से भी आ रहे हैं। तो ओके, तो नीचे वाला नहीं करना है हमें, ऊपर से जो आ रहे हैं उसे कैच ना करना है। तो यहाँ से मैं कैच कर देता हूँ यहाँ 4। अरे ये क्या हुआ, ये क्या हो गया भाई। अरे यार, वेट गाइज, वहाँ से हट गया था। 1 2 और आ जाओ 3 4, मतलब 1 या 5 5 5। ओके, तो यहाँ से ये भी लेवल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में टॉम मस्ट जंप टू द ओवर स्लाइड, मतलब इस टॉम को यहाँ से जंप करवाना है ओवर स्लाइड तक। तो ये जंप हो नहीं रहा है, इधर कुछ होगा शायद। ये यहाँ पे कुछ ये क्या क्या नाम है इसका, कुछ नाम याद नहीं आ रहा है। इसको खिलाया नो, इतना बड़ा हो गया। तो चलिए यहाँ से इसको भी जंप कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, टर्न इन ऑफ टू डैमेज, मतलब हमें इसे ऑफ करना है। तो यहाँ से मैं निकल नहीं रहा है, कैची दिया है, और यहाँ से अगर हम ऑफ कर दें तो यहाँ से भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे ये कैची बस एक इल्यूशन था, मतलब हमें भड़काने वाला था। यहाँ पूछ रहा है ये वाला सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे टूर्नामेंट 27 होगा, तो यहाँ पे मैं जल्दी से 27 लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ से हो गया सही से। भाई मेरा गणित बहुत अच्छा है, मतलब मैथ मेरा बहुत अच्छा है। टैप देन 149 85 7 11 100 या 1, फिर ये था यार, ये हट कैसे गया। अब तो मेरा दिमाग गया, कैसे था यार, इसी टाइप का था शायद। सबमिट, नहीं, वापस से देखने दो। 149, ओके, 85 7 11 1 याद आ गया, 149 85 7 11 101। चलिए यही था, यहीं तक था, सबमिट। ओके, तो यहाँ से यह भी लेवल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट व्हाट इज़ द हिडन नंबर। ओ भाई साहब, ये कितना ईजी है। यहाँ पे हिडन नंबर पूछा 40 और कितना। ओ भाई साहब, बहुत ईजी था। यहाँ पे भाई एकदम साफ दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ हिड है, कुछ वाइट टाइप का लगा था, सब नहीं दिखता। हाउ मैनी मंथ्स हैव 28 डेज, 28 डेज में कितने मंथ्स होते हैं, मतलब 28 डेज कितने मंथ्स के होते हैं। सारे मंथ्स 28 ही डेज के होते हैं, 12। मैं पूछ रहा है 28 डेज कितने मंथ्स के होते हैं, 12 डेज मंथ्स के लिए होते हैं। सारे मंथ्स में तो 28 डेज रहते हैं ना। प्लीज़ सेव द बॉय, अच्छा मुझे इस बॉय को सेव करना। ले भाई पत्थर से इसको मार, नहीं तू ले नहीं, रुक जो मैं भी मार देता हूँ। हट हट, अच्छा ये क्या दिया, यहाँ पे कुछ खंजा दे। ओ भाई साहब, यहाँ से मैं लेके आया तो यहाँ से एक हड्डी मिला। ओके, तो ले ले भाई, तुझा चल भाई, चल खुश हो जा, चल निकल यहाँ से। नेक्स्ट, वेयर इज़ द ब्लैक शिप, यहाँ पे ब्लैक शिप कहाँ है। ये वाला सब मूव तो नहीं हो रहे हैं, तो कहाँ से भाई। ओ भाई साहब, ये यहाँ पे ब्लैक है, अगर मैं इसे, ये मूव हो रहा है, हाँ मूव, अरे यहाँ ब्लैक तो मूव हो रहा है। तो चलिए, हम इसको मैंने देखा था कहाँ, तो इसी टाइप में किया गया था। तो चलिए यहाँ से ये भी लेवल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लास्ट लेटर इन स्पेलिंग, इसमें लास्ट लेटर क्या है, जेड है। ओके, तो यहाँ से नो, वापस से, व्हाट इज़ द लास्ट लेटर ऑफ स्पेलिंग। ओके, स्पेलिंग के लास्ट लेटर में क्या है, जी। ओ भाई साहब, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, आई एम हैप्पी। नेक्स्ट, देयर इज़ अ वन इंक्लूडर इन आवर कैट पार्टी, मतलब इसमें से इंक्लूडर है, मतलब एक आउटर है, मतलब कैट नहीं है, उसको खोजना है। तो इसमें कहाँ पे सारे तो कैट दिख रहे हैं। वेट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक माउस टाइप का कुछ है, मतलब चूहा है। तो चलिए यहाँ से निकाल दिए, मतलब रैट है, माउस है, सेव ही है, मतलब इसे हमें बचाना है। तो अगर मैं पत्थर से मार, ले मैडम जी पत्थर से मार, बिल्ली या बारिश रुक जाते, बारिश बरसाता हूँ। अरे भाई बिजली चमक गया, ओ भाई साहब। नेक्स्ट, यहाँ से कैच द माउस से, मतलब हमें, हम बिल्ली हैं और हमें इस माउस को खाना है। वेट, अभी रुक जाओ, यहाँ से देखें, यहाँ कैट रैट के पास कुछ नहीं, तो मुझे इधर से जाना पड़ेगा, क्योंकि वो उसका तो अंदर से पूरा दरवाज़ा ही बंद है, आप देख सकते हैं, तो मुझे बाहर ही से जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से ये भी लेवल कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट में क्या करना, टॉम इज हंगरी अगेन प्लीज़ हेल्प, मतलब हमें टॉम हंगरी है, इसे हेल्प करना है। तो ओके, यहाँ से मैं इसे कुछ पिलाता नहीं हूँ, यहाँ से गैस को ओपन कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से माउस निकल गई, मतलब एक रैट निकल गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, मेक देम फॉल इन लव। ओके, तो यहाँ से अगर मैं, ओ भाई साहब ये क्या हुआ,
इन दोनों के बीच में प्यार लाना था, ये बैलून मैंने फोड़ दिया तब पर भी प्यार आ गया, कुछ समझ नहीं आया। यहाँ पे व्हाट इज़ द ट्रिगर डिस लॉर्ड हेल्प मी प्लीज़, हमें यहाँ पे कुछ करना है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया, कैसे हुआ, डबल क्लिक करूँ क्या? अरे अरे भाई ये क्या हुआ, डबल क्लिक किया था अपने से ऐसा आ गया। चलिए कोई ना, नेक्स्ट चलते हैं। क्लिक ऑन दो क्लेवर प्लेज, ओके तो यहाँ पे क्लेवर्स तो है नहीं, तो ये मेमना है, ये भेड़ पता नहीं क्या, अरे लव हो गया इस सब के बीच में। ओ भाई सब इतने सारे आ गए, चलो क्लिक कर दिया जाए किसी पर भी, यहाँ से हमें तो मिल गया ना, अभी लोग लव करें या कुछ भी करें हमें तो मिल गया। चलिए यहाँ से बैक करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट कैट इट ऑन द रिच, इसमें से सबसे राइट कैट कौन है, मतलब कुछ समझ नहीं आया इसमें, ये भी नहीं है तो कौन है? अरे भाई ये क्या हुआ, ये रहा जान, मिला ना कैट, मिल गया ना, अब कैसे भी हुआ ये मुझे नहीं पता। स्पॉट द डिफरेंस, ओ भाई सब इन दोनों में डिफरेंस खोजना है, कितना है भाई, टुक 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 टुक, भाई यहाँ पे तो मुझे शायद ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, मतलब एक भी डिफरेंस नहीं दिखा, मैं देख लिया अच्छा से, यहाँ से जीरो हो गए क्या, सबमिट करता हूँ। ओके तो गाइस मैंने बोला ही था ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जीरो ही होगा। ओके तो यहाँ पे हाउ मनी होल्स आर देयर इन द शॉट्स, इसमें कितने होल्स हैं, यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है एक यहाँ पे, दो, सबमिट नहीं, दो भी नहीं, तो ये जो हाथ का पैर का मुंह का है ये सब भी, एट नहीं, ये भी नहीं, एट टेन नाइन भी नहीं, एट हो सकता है, पक्का एट हो सकता है, एट, ओ भाई साहब ये रहा, हो गया एट मिल गया। चलिए तो गाइस यहाँ से ये भी हो गया, यहाँ पे लास्ट क्या है, यहाँ पे ये ऐसे दिया है, ये ऐसे दिया है, मतलब ये सारे मल्टीप्लाई हुए हैं तो मुझे भी इसको भी मल्टीप्लाई करना है, तो 27 होगा, नहीं, ये दोनों ऐड होंगे, तो 8 9 10 11 11 होगा पक्का, ये पक्का 11 होगा गाइस। ओके मैंने क्या बोला था, क्योंकि ये माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन मिल रहा है इसमें, तो चलिए हेल्प द कार क्रॉस द ब्रिज, मुझे इस कार को उस ब्रिज में ले जाना है, तो ये तो यहाँ पे ब्रिज टूटा है गाइस, तो कैसे ले जाएंगे? ओके तो पता नहीं गाइस, मैं ज़ोर से इसको दबाता हूँ। ओके 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 गाइस ये हो गया, अचानक से मतलब पता नहीं, मैं वहाँ पे ब्रिज के पास माउस को रखा था, ये अपने से हो गया था, तो ही जस्ट में एस्केप द जॉम्बी, मतलब हमें इस अपने मनुष्य, एक मनुष्य जॉम्बी से बचाकर हमें इस कार के अंदर लेके आना है, तो कहाँ से लेकर आए हैं, ओ भाई सब जॉम्बी इधर नीचे जाइए, आ जाना है इधर से, आ जा। ओके तो गाइस यहाँ से भी लेवल कम्प्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, प्लीज़ ओपन द सोडा, यहाँ पे हमें सोडा बोतल को ओपन करना है, तो यहाँ से इसकी मदद से हम ओपन कर सकते हैं, हो जा भाई ओपन हो जा, 1 2 3 ओपन, टंग नहीं हो रहा है, टंग नहीं हो रहा, टंग टंग टंग, ये ओपन हो क्यों नहीं रहा है, रुक जा तेरे को बताते हैं, ओपन हो जा रहा है, ओके हो गया, यहाँ पर नीचे लाने पे ये ओपन हो गया, अब बताओ। तो चलिए यहाँ से ये भी लेवल कम्प्लीट हो गया, तो अब बोरिंग टाइप का लग रहा है, तो अभी का यहीं पर हम गेम एंड करते हैं। आई होप आज का ये गेम आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गाइस बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे प्ले करेंगे, और तब तक गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।